नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिविन। आज हमने देखो डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे दोस्तों अपने फुटवेयर बिजनेस, जो भी होती है, जो भी फुटवेयर बिजनेस का जो बिजनेस करती है उन लोगों के लिए कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन सी सॉफ्टवेयर चाहिए, कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर, यानी ए टू सेट इन्फॉर्मेशन, ए टू सेट काम उस सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में जाने के पहले, मैंने लास्ट टाइम भी उसका जो हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट आपको बताया था, तो हार्डवेयर में आपको सिंपल यानी बजट में भी कर सकता है, हाई बजट में भी कर सकता है, दो अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने थोड़ा सा बजट बड़ा है आपका, समझ लीजिए इस तरीके से एक प्रिंटर लगा सकते हैं, जो भी आपको बारकोड वगैरह प्रिंट करने के लिए, यानी जो प्रोडक्ट्स में चिपकाने के लिए, ठीक है। ये जो बारकोड है मैंने और सुपरमार्केट के लिए बनाया था, और एक्चुअली आपको जो बारकोड आपको बनाएंगे और दूसरा बारकोड बनाएंगे मैं आगे करके आपको दिखा देता हूँ। और ये जो प्रिंटर का लगभग मेरे ख्याल से 13,700 है इसका प्राइस, ठीक है जी। ये जो प्रिंटर, इसमें बारकोड और रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, आपने जो डाइकट बारकोड सब कुछ इसमें प्रिंट कर सकता है, 13,700 है। और ये जो बारकोड रोल जो होती है ना जी, ये जो रोल होती है इसको प्राइस होती है मेरे ख्याल से 350 रुपीज़ तकरीबन। और ये जो बारकोड स्टिकर में प्रिंट करके इसमें चिपका देती है नॉर्मली। इसके अलावा अगर समझ लीजिए आपको इस तरीके से टैग बनना चाहिए, टैग में डायरेक्ट प्रिंट करना चाहती है, तो वो भी समाधान आपको मिल जाएंगे। जो इस तरीके से जो पेपर का ये स्टिकर नहीं है जी, ये पेपर है, ये बड़ा रोल में आती है, आपने इस तरीके से काट काट के प्रिंट करके इसमें काट के बाद में इधर एक होल होती है, उसमें से आपको जो टाई डाल के इसमें बांध सकता है, तो वो भी प्रिंट करके, यानी प्रिंट भी इसी प्रिंटर से कर सकते हैं आपने प्रिंटिंग, तो वो भी मैंने आपको दिखा देता हूँ वन बाई वन। और इसका जो पेपर रोल होती है बिल करने के लिए, वो जो बिल का प्रिंटर मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो प्रिंटर है दोस्तों, आपको कोई भी ATM ऑटोकट थर्मल प्रिंटर लगा सकता है उसके लिए। इसमें ये जो है मात्र बिलिंग करने के लिए जो प्रिंटर है दोस्तों, ये देखिए आपको सीधा इसके अंदर लगाना है बस। ये प्रिंटर आपको करीब 5,000 to 6,000 rupees में ये प्रिंटर आ जाती है, और आपको लगाना है, लगाओ नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो कैश ड्रॉयर होती है, कैश ड्रॉयर भी आपको मेरे ख्याल से 3,700 या 4,000 rupees में कैश ड्रॉयर आती है, ये TVS का कैश ड्रॉयर है एक्चुअली। और आपको जो दूसरा एक चीज़ चाहिए जी, अपना जो एक स्कैनर का ज़रूरत है, बार कोड स्कैनर है, TVS का ही मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा इसका लाइफ बढ़िया है जी, इसके लिए बहुत सुपर है, अभी तक मेरे को कोई इश्यू नहीं आया है जो स्कैनर में। ये आपको 2,500 है इसका कॉस्ट। और जो डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी लगाइए, टच स्क्रीन लगाइए, आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से लगाइए, नॉर्मल का नॉर्मल डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप आपने i3 वगैरह लिया तो बहुत बढ़िया है जी, हाई स्पीड है, आज के ज़माने में वो हाई स्पीड ही रखी है आपने, क्योंकि मात्र सॉफ्टवेयर नहीं और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको चलेंगे i3 प्रोसेसर विद 4GB रैम, तो एकदम बढ़िया हो जाएंगे, नॉर्मल डेस्कटॉप चलेगा। और डेस्कटॉप का PC मैंने नीचे रखा हुआ है, आपको सामने तो उठा के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है। और कुछ छोटा छोटा चीज़ जो होती है, जैसे ये जो पेपर रोल होती है ATM जो बिल करने प्रिंट करने के लिए जो पेपर होती है, इसका प्राइस है मेरे ख्याल से अमेज़ॉन में आपको 10 rolls 600 rupees में अवेलेबल है, ये वाला जो देखिए। और आपको और कौन सा प्राइस नहीं बताया, अच्छा ये जो रिबन आती है, वो जो बारकोड प्रिंटर के अंदर जो रिबन डालती है, इसको 350 rupees के आसपास प्राइस है दोस्तों। तो इतना ही हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपको हार्डवेयर का एकदम आइडिया मिल गया होगा। अभी जाएंगे अपने रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। ये जो चीज़ है, ये सारे के सारे चीज़ आपको कंट्रोल करती है, यानी ये टूसेंट कंट्रोल इसी में से होती है। तो आगे जाने के पहले मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये अगर समझ लीजिए आपने खुद फीलिंग हो जाएंगे, हाँ इतना सामान हमने लाया तो हमने कैसे करेंगे उसको काम, ये बहुत सिंपल है जी। कोई भी प्रिंटर या लैपटॉप और डेस्कटॉप जो भी आती है, इसका कनेक्टिविटी किस तरीके से मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। थोड़ा सामने आइए, देखिए इसमें आपको देखो ये जो प्रिंटर है ना जी, प्रिंटर के पीछे आपको 3 पावर देना है, ये तो मैंने निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है USB है, देखो खाली पिन है जी दोस्तों, ये जो USB है इसमें लगाना है, ये इसका पावर सप्लाई है, यानी उसके साथ ये आती है केबल, ये निकाल के ये लगा के इसके पीछे लगाना है। और ये क्यों लगाना है, ये मात्र एक केबल जाती है, देखो इस तरीके से जो केबल है दोस्तों, ये जाएंगे अपना कैश ड्रॉयर के लिए। कैश ड्रॉयर के लिए अलग से कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं, मात्र ये केबल लगा देना, और अलग से कोई भी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं, मात्र इधर लगा दीजिए, कैश ड्रॉयर अपने आप काम करेंगे। सेम टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो जो
प्रिंटर आपको दिख रहा है ना, जो लेबल प्रिंटर जो दिख रहे हैं, सही, मतलब उसमें एक चीज़ कम होती है, जो कैश ड्रॉअर कम, मतलब कैश ड्रॉअर का पॉइंट कम होती है इसमें, मात्र उसमें यूएसबी केबल है और एक पावर सप्लाई केबल है बस, और ऑन ऑफ स्विच है ना, इसमें कैश ड्रॉअर कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, इतना ही कनेक्टिविटी और नॉर्मल कंप्यूटर। और ये जो बारकोड गन जो होती है ये प्लग एंड प्ले होती है, ठीक है जी, वो जैसे आपने यूएसबी में लगा दीजिए, प्लग एंड प्ले कर दीजिए, बस काम ख़त्म हो जाएंगे उसका। तो इस तरीके से आप अपनी जो हार्डवेयर सिस्टम इसमें पूरा कंप्लीट हो जाती है। अभी हम जाएंगे किस तरीके से इसको चलाएंगे, इसको कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, पैसे परचेसिंग कैसे करना है, कैसे कैसे है, ए टू जेड में आपको वो भी दिखा दें। अभी हमने जाएंगे अपना रेनडक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन पे। तो ये जो इंटरफेस आपको दिखती है, जो ये जो इंटरफेस आपको लगाना है और इसका जो कनेक्टिविटी करना है, उसका जो प्रिंटर में जो भी कनेक्शन करना है, तो हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद, आप सबसे पहले आप अपने कंपनी का नाम इसमें सेट कर दीजिएगा। इधर मास्टर एंट्री में जाकर के देखिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन जाकर के आपने देखो, इधर जो कंपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी लोगो, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ इधर डालिएगा। तो आपका कंपनी का जो डिटेल्स वगैरह डाल दीजिए, और आपका कंपनी का जो बिल, सारे बिल के नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आती है वो सब कुछ आपने यहाँ डाल सकता है, और आपका कंपनी का लोगो इधर डाल सकता है। ये सबसे बड़ा स्टेप है जी इसका, मतलब ये इन्फॉर्मेटिव, मतलब इसी का बिना आगे मत जाइए, ये पहले सबसे पहले कर दीजिएगा आपने। उसके बाद आपने उसके नीचे जो है कैटेगरी क्रिएट कर सकता है। कैटेगरी आपको बहुत सारे कैटेगरीज होती है, जैसे मेंस वेयर है, वीमेंस वेयर है, वीमेंस का भी वीमेंस, इस तरीके से जो किड्स वेयर है, यानी इस तरीके से वेयर्स होती है, और बैग्स और बेल्ट वगैरह अलग अलग कैटेगरीज आती है। और मास्टर एंट्री में आपने नीचे जाकर सब कैटेगरी भी दिखता है आपको, सब कैटेगरी देखो, मेंस वेयर में भी आपको अलग अलग होती है, मेंस वेयर में जो फॉर एग्जांपल एडिडास एक अलग कैटेगरी हो गया, नेक और पुमा, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी भी आपने इसमें क्रिएट कर सकता है। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद हर एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं आपके कैटेगरी आईडी बन जाती है, देखिए आईडी बन, ये आईडी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक कैटेगरी को अलग अलग आईडी नंबर मिलते हैं। क्यों, हमने एक आईडी नंबर में कन्वर्ट करके रखा हुआ, क्योंकि आपको कभी मिस्टेक ना हो इसलिए करके। इसके नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, इसका प्रिंटर कनेक्शन करना है। आपको प्रिंटर कनेक्शन करने के लिए आपने देखो सेल पैनल में जाइएगा, इधर सबसे ऊपर बिल टेम्पलेट बोल के आपको दिखाई देती है, इसमें प्रिंटर सेटिंग आपको मिल जाती है। कौन सा प्रिंटर आपने ड्रॉप डाउन किया तो सारे के सारे प्रिंटर आपको दिखाई देती है, और थर्मल प्रिंटर कर देना, और कैश ड्रॉअर अगर कनेक्टेड है तो कैश ड्रॉअर कर देना, ओके कर देना आपने। और आपको बिल टेम्पलेट, बहुत सारे बिल टेम्पलेट हमने इसमें अंदर डाला हुआ है, रेडियो बटन डाला हुआ है, कौन सा बिल टेम्पलेट आपको फॉर्मेट पसंद है वो आपने प्रिंट करके टेस्टिंग करके देख सकता है, आपको वो जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब बेसिक सेटिंग्स है सॉफ्टवेयर का, ये प्रिंटर कनेक्टिविटी। और जो आपका जो बारकोड, ये जो प्रिंटर कनेक्टिविटी मैंने जो थर्मल प्रिंटर का दिखाया, आपका जो बिल प्रिंट करने वाला, ये जो बारकोड प्रिंटर का, इस तरीके से सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा सीडी डाल के इसको इंस्टॉल कर देंगे, और उस जब भी प्रिंट करते वक्त तो दिखाई देती है कौन सा प्रिंटर में प्रिंट करना है, तो उस तरीके से होती है बारकोड प्रिंटिंग का, ठीक है जी। तो अभी इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट है नहीं, आपने इधर देखो ड्रॉप डाउन करेगा तो भी कोई प्रोडक्ट्स इसके अंदर नहीं है, और स्टॉक में जाके देखेगा तो भी कोई प्रोडक्ट्स इसके अंदर डाला नहीं है हमने, देखो स्टॉक में कोई भी प्रोडक्ट है नहीं। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स इसके अंदर इनबाउंड करेंगे, यानी समझ लीजिए आपने ये जो सॉफ्टवेयर हमसे लेने का टाइम और समथिंग लाइक दैट, और जब भी नया शॉप शुरू करती है, आपको दो टाइप, दो तरीका में प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। वन इज दैट आपको एक्सेल के माध्यम से बल्क इंपोर्ट कर सकता है, एक्सेल शीट के माध्यम से, और नेक्स्ट जो है आपको जो आपका जो परचेस का बिल आती है ना, परचेस बिल आपने एंटर करने से ऑटोमेटिकली स्टॉक में चढ़ जाती है। दोनों ऑप्शन आपने चूज कर सकते हैं, कौन सा फैसिलिटी आपने यूज करना है वो यूज कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल का माध्यम से किस तरीके से एंट्री करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए देखो इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देती है, देखिए इसमें क्लिक करने से एक्सपोर्ट बटन में आपने अगर क्लिक करती है, ठीक है ना, तो एक एक्सेल का टेम्पलेट आपको एक्सपोर्ट हो जाती है सॉफ्टवेयर से। हाँ, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये नहीं है सॉरी, ये जो टेम्पलेट ये मैंने सेव करके रखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट मैंने मैन्युअली ऐड किया था, ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आप थोड़ा सा देखिएगा, देखिए मैंने थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ,
और ज़ूम इन करके देखिए, इसमें देखो सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम मैंने डाल दिया, नाम समझ लीजिए एडिडास है, आपका नेक है और वगैरह वगैरह जो भी कैटेगरी आप डालिए। मैंने सब कैटेगरी में जो आईडी जो डाला बोला था ना जी, वो मैंने वन करके डाला। मतलब आपने जो जो अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरी नंबर आईडी डाल के जाइएगा। एक्सेसन कोड आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। और इसमें पार्ट नंबर में देखो, ये दोनों प्रोडक्ट के लिए मैंने एडिडास करके इधर पार्ट नंबर में डालिया, ये बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। और ये जो नेक के लिए मैंने इधर नेक करके टाइप कर दिया, ये सेल करते वक्त आपको सर्च करने में बहुत आसान होंगे, क्योंकि कभी भी फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आके उठा के आपको बोल देंगे हाँ इसका थोड़ा सा बड़ा सही से क्या, तो तुरंत का तुरंत आपको सर्च करने के लिए समाधान उसमें मिल जाती है, यानी उस तरीके से आपने डालने से। और आपने परचेज प्राइस सेल प्राइस डाली कोई बात नहीं, और आगे जाइए आपने और रिटेल डिस्काउंट अमाउंट यानी 800 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल एडिडास का जो शू है जो जो भी है, तो आपने 10 रुपया डिस्काउंट करके 790 रुपीज़ में सेल कर सकता है। और CGST SGST वगैरह है तो आप डालिए, नहीं है तो जीरो डालिए एटलीस्ट, ठीक है ना। रीऑर्डर पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, समझ लीजिए ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका समझ लीजिए फर्स्टली हमने हमारे पास 100 पीस आया था, तो एक एक करके सेल करके जब भी वो 2 पीस में आएंगे वो सॉफ्टवेयर अलर्ट देंगे। आपने अगर इधर 10 किया तो 10 पीस में आएंगे तभी वो अलर्ट देंगे, है ना, इस तरीके से समाधान है उसमें। और देखो इधर आगे जाएगा तो आपको सेल्स यूनिट और परचेस यूनिट यानी पीसेस में होती है ये सब कुछ, या किलोग्राम वगैरह नहीं होती है मेरे ख्याल से, नहीं यस पीसेस में होती है सारे। और होलसेल प्राइस समझ लीजिए आपने रिटेल में, समझ लीजिए आपने 800 रुपये में सेल करती है जो प्रोडक्ट, अब होलसेल में आपको समझ लीजिए 750 में कर सकता है, होलसेल में का डिस्काउंट देना वो भी आपने कर सकता है। इस तरीके से जितने भी इंफॉर्मेशन आप सीधा नीचे बिल भर सकता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 प्रोडक्ट आपने नीचे भर दीजिए दोस्तों, और एक्सेल मतलब एक्सेल का माध्यम से बल्क अपलोड कर सकता है। मैंने आपको इसको थोड़ा सा यस कर देता हूँ, और ये जो एक्सेल शीट मैंने इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इंपोर्ट करने के लिए आपको इधर जाइए, प्रोडक्ट्स में जाइए और इंपोर्ट बटन में क्लिक कर दीजिए, ये जो डेस्कटॉप ये जो बटन ले लीजिए दोस्तों, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसमें सीधा आपने सेव कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट इसमें सेव हो जाती है। देखिए आपको जितना भी प्रोडक्ट स्टॉक में आए हुए ना, देखिए उधर स्टॉक बटन क्लिक किया तो इधर दिखाई देती है जो एग्जैक्ट स्टॉक क्वांटिटी के साथ इधर आती है दोस्तों, है ना। तो ये मैंने क्लोज कर देता हूँ आपको, और कुछ आप अभी क्या स्टेप है समझ लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने ला लिए तो हमारा शोकेस में ब्यूटीफुल तरीके से लगाने के लिए तो हमें कुछ ज़रूरत है दोस्तों, बार कोड वगैरह या लेबल वगैरह चिपका के लगाना है। तो लेबल मैंने आपको जैसा कहा, आपने स्टिकर में प्रिंट करके चिपका सकता है, और इस तरीके से जो टैग होती है टैग में डायरेक्ट प्रिंट करके लगा सकता है। टैग में डायरेक्ट प्रिंट करना है, कैसा प्रिंट करना है, मैंने लास्ट टाइम भी एस्टरडे या डे बिफोर एस्टरडे उसका वीडियो बनाया था, एक बार रेफर कर देना दोस्तों। तो आपको इधर राइट साइड में एक बटन मिलता है जी बार कोड, ये बार कोड का बटन आपने क्लिक करने से देखिएगा नंबर ऑफ कॉपीज, फॉर एग्जाम्पल इसका देखो 3 या 4 दो भी है, आपने 4 कॉपी इसको प्रिंट करना एडिडास, ये जो मॉडल नंबर होती है 2215 समझ लीजिए आपका मॉडल नंबर हो गया। आपने देखो इधर कस्टम बार कोड में भी आपने जाएंगे देखो इस तरीके से बार कोड आती है ना, आपने इसको सीधा देखो इधर प्रिंट बटन में जाके इसको सीधा प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर प्रेफरेंस में एक बार देख लेना, बाद में प्रिंट कर देना तो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रिंट आ जाएंगे आपको। देखिए मैंने और दोबारा प्रिंट कर देता हूँ आपको, देखो वंस अगेन और प्रिंट बटन, और देखा ना जी प्रॉपर तरीके से प्रिंट आ चुका है, एकदम बढ़िया क्वालिटी में उसका जो प्रिंट आ चुका है आपके पास। तो ये जितनी भी आपका प्रोडक्ट होने दीजिए सारे के सारे लेबल वेरी सिंपली, अभी हमने वो जो प्रोडक्ट अभी चढ़ाए तुरंत उसका बार कोड लेबल आपको मिल गया। अगर समझ लीजिए वो जो बार कोड लेबल का कोई डिजाइन चेंज करना है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, आपको जो साइज चाहिए रेंडक्स सॉफ्टवेयर से मिल जाएंगे दोस्तों। अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट में वो भी आया हुआ है, यानी बार कोड आपको खुद ना खुद उसको डिजाइन करने के लिए समाधान मिल जाएंगे, और हमारा जो टीम भी आपको हेल्प कर देंगे उसमें इंस्टॉल करके आपको वो जो फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे। तो हमने कुछ सारे प्रोडक्ट के एक एक बार कोड हमने प्रिंट कर देता हूँ, देखिए ना समझ लीजिए सारे प्रोडक्ट का हमको समझ लीजिए एक एक बार कोड प्रिंट करना है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इधर क्वांटिटी डाल देना आपने और यहाँ पूरा टिक कर दीजिएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है जी, और जनरेट बार कोड कर दीजिए आपने,
और इधर एक ही दिखता है, ऊपर आपने स्लाइड करने से सब कुछ दिखता है, है ना। तो सारे का सारे बार कोड आपने एक साथ प्रिंट कर सकता है, तो वो भी मैंने एक बार प्रिंट कर देता हूँ। अभी हमने जितना भी बार कोड हमने जनरेट किया था, सीधा आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कमांड दे दीजिएगा और प्रिंट बटन दे दीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ प्रिंट आ जाएंगे सारे प्रोडक्ट के, एक एक बार कोड प्रिंट हो जाती है। देखा ना, इस तरीके से आपको देखो हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होती है। तो आपको इधर मैंने दिखा देती हैं, देखिए ये जो है नेक स्लीपर है, और नेक इसका अलग अलग, सबका अलग अलग प्राइस है दोस्तों। देखिए नेक डबल एक्सल है, देखें, और उसका साइज़ नीचे हमने जो डाला था वो अलग से भी आ जाती है आपको, अगर नेम का साथ आपने डालने का कोई ज़रूरत नहीं। ये आपने सीधा देखो, फॉर एग्जांपल ये नेक का एग्जांपल का तौर, ये नेक नहीं है दूसरा कोई है, एग्जांपल का तौर इस तरीके से लगा करके जब भी सेल करते वक्त आपने जो ना देखिए स्कैन करके सेल कर सकता है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चप्पल वगैरह जो बॉक्स में आती है, तो बॉक्स के ऊपर आपने इस तरीके से चिपका सकता है या चप्पल में चिपका सकता है। तो ये आपका दुकान का नाम सब कुछ बन के बारकोड मिल जाती है, और इसमें कोई भी और इन्फॉर्मेशन डालना है आपको आराम से डाल सकता है। देखिए इसमें थोड़ा देखिए थूम्स करके आपको आपका दुकान का नाम यहाँ आ जाती है और प्राइस इधर आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत वैरायटीज ऑफ बारकोड से बारकोड लेबल्स किस तरीके से बनाना है वो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाया था, किस तरीके से डिजाइंड बारकोड। जैसा ये जो आपको देखा, आपने देखा है जो स्टिकर बारकोड है, तो इसके अलावा ये जो स्टिकर नहीं है, पेपर में भी प्रिंट कर सकता है डायरेक्ट, है ना, वो भी आपने इस तरीके से टैग जैसे लगा सकता है। टैग जैसा आपने देखा होगा ना, जी डायरेक्ट इसमें प्रिंट हो जाती है टैग में, वो भी आपने कर सकता है इसी सेम प्रिंटर में। तो आपको ये भी एक समाधान मिल जाएंगे इसमें रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। अभी हम जाएंगे, अभी देखो हमने प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर दिया, उसको बार कोड प्रिंट कर दिया, उसमें शेल्फ में ब्यूटीफुल तरीके से लगाया आपने, ठीक है जी। अभी हम जाएंगे बिलिंग, बिलिंग कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट उठाया, तो ये जो प्रोडक्ट में हमने बारकोड चिपकाया, इसमें भी थोड़ा बारकोड चिपकाएंगे हम, एक दूसरा एक बारकोड जो प्रोडक्ट का है उसका बारकोड चिपकाइएगा, ठीक है। ये बारकोड मैं उठा करके इस प्रोडक्ट में चिपका दिया, एग्जाम्पल के तौर इसमें चिपका दिया। मैं अभी दोनों को फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कोई कस्टमर आया उठाया, उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए देखो ये जो प्रिंटर इधर चालू है, देखिएगा ये जो प्रिंटर है ना, थोड़ी देर से सामने दिखाइए प्लीज़। मैंने थोड़ा सा पेपर आगे खींच कर और देखें ना जी, तो आपको सीधा जाना है इसका जो रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का सेल बटन में। तो आप अपने बार कोड का गन उठा करके ना ऑटोमेटिकली देखो इधर बार कोड में आपने इधर स्कैन कीजिएगा, देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाती है, जो डिस्काउंट आपने डाला था वो डिस्काउंट के साथ आ जाती है। आप इसको देखो 2300 कुछ आ रही है अमाउंट, आपने समझ लीजिए 2500 पे कर दिया, उन्होंने समझ लीजिए कस्टमर कैश दिया था आपको, सेवा ने प्रिंट करने से ऑटोमेटिकली बिल प्रिंट हो जाती है। देखो ना एकदम ब्यूटीफुल तरीके से प्रिंट हो जाती है 2000, है ना, वो डिस्काउंट अमाउंट जितना है वो करके आ जाती है। अब इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर हमने खींच कर रखा था, मैंने और एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होगा ये एक्स्ट्रा पेपर क्यों आ रहे करके, ठीक है जी। और दोबारा प्रिंट कर दे रहा हूँ, देखिए आप इसको स्कैन करिए और इसको भी स्कैन करिए और इसको कितना अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है समझ लीजिए, उन्होंने 2500 रुपीज़ दिया है, और सेवन प्रिंट करिए और यस करिए दोस्तों, देखिए। और जो कैश ड्रॉयर भी बाहर खुल जाती है, देखा ना जी आपने, कैश ड्रॉयर मैंने कैश ड्रॉयर इनेबल किया था तब जाकर कैश ड्रॉयर भी बाहर खुल गया। देखिए आपने इसका जो प्रिंट आउट देखिए दोस्तों, एकदम डिटेल्ड वे में आया हुआ है। देखिए इसका जो वन पीस है उसका डिस्काउंट होने के बाद कितना कितना डिस्काउंट हमने डाला हुआ है ना जी, वो डिस्काउंट देखो इसका 24 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया था, तो टोटल उन्होंने इधर लिखे आती है जी, टोटल यू हैव सेव्ड 37 रुपीज़, है ना जी, इस तरीके से लिखे आ जाती है वो, और उसका सब टोटल भी इधर नीचे आ जाती है। आगे लेके जाने के पहले ये जो सेल पैनल का कुछ खास फीचर्स है दोस्तों, बहुत एडवांस्ड फीचर्स है इसका, जो कुछ सेल पैनल का कुछ खास फीचर्स में आपको दिखा देती है। आपको जो सेल्स पैनल में दो तरीका में सेल करने के लिए ऑप्शन है, जैसा आपने प्रोडक्ट इस तरीके से ऐड करके आर्टिकल ऐड करके सेवा प्रिंट करके सेल कर सकता है, और इस और दूसरा क्या है आपको जो बार कोड इधर रख के स्कैन करके सेल कर सकता है, इधर इस तरीके से स्कैन करके सेल कर सकता है। और आपको मैंने और एक एडवांस्ड चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो एक्सेल शीट बनाया था, तो एक्सेल शीट में देखो एडिडास करके हमने जो पार्ट नंबर डाला था ना जी, ये जो पार्ट नंबर देखो मैंने इधर कॉपी कर दिया, पार्ट नंबर आपने नाम है तो नेक जो भी है आप डाल दीजिएगा। आप सेल पैनल में पार्ट नंबर में जाके वो पार्ट नंबर डालेगा ना,
ऑटोमेटिकली वो पार्ट नंबर में कितना प्रोडक्ट है, देखिए ना ये कितना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाए, और उसमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, आपको उन्होंने जो पेमेंट जो दिया है 1000 रुपीज कर दिया है वो सेव एंड प्रिंट कर सकता है, हाँ यस कर दीजिए, तो इस तरीके से भी आपको प्रिंट कर सकता है। मतलब इसका मेन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने नेक टाइप कर दिया, वो किस लिए होता है मेनली, समझ लीजिए कोई भी कस्टमर आके आपको बोला है सर जी ये जो साइज़ का थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए एक्सल या डबल एक्सल चाहिए, तो आपने सीधा क्या कर दीजिए एन ए के इधर टाइप कर दीजिए, एंटर मारिए, तो एन ए के का कौन कौन सा साइज से आपको सीधा सीधा दिखाई देती है दोस्तों, वेरी इजी एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल, इसका सारे का प्राइस भी आती है ना, मैंने प्राइस वगैरह जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए डाला था आप अपना प्राइस डालिएगा, है ना, तो इस तरीके से आपको वेरी इजीएस्ट वे में आपको दिखाई देती है। तो समझ लीजिए आपने उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया, एंटर मार दिया, तो उनसे उसमें से जब भी आपने एक क्लिक कर देगा ना जी, आपको देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देखिए उसका मार्जिन क्या है, उसमें वो जो प्रोडक्ट आपने किस किस प्राइस में परचेस किया था, कौन से प्राइस में अभी सेल कर रहे हैं, आपको इधर सीधा सीधा दिखाई देती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल नेक 221 एक्सल का प्राइस आप देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में 221 एक्सेल, इसका जो परचेस प्राइस है 600 रुपीज़ है, आप 1200 में सेल कर रहे हैं, तो आपने जब भी ये जो एक्सेल शीट हमारे पास नहीं होती है, जब भी सेल करती है कस्टमर को ये प्रोडक्ट आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट नहीं था नेक एक्सेल था, सॉरी नेक 221 एक्सेल, देखिए ये जो प्रोडक्ट था इसको 600 रुपीज़ परचेस प्राइस आपको दिखाई देती है दोस्तों, और मतलब 575 रुपीज़ आपको मार्जिन है, यानी 25 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दिया था इसका, है ना, इस तरीके से आपको मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसी सेल पैनल में आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट इस तरीके से स्कैन किया, समझ लीजिए ये होलसेल कस्टमर है आपका, होलसेल कस्टमर जब होती है स्कैन कीजिए, होलसेल कस्टमर जो होती है, देखो अभी देखो 875 रुपीज़ रिटेल प्राइस है, होलसेल कस्टमर का क्या होता है डिफरेंट प्राइस आती है, तो आपने इसको होलसेल में चेंज कर सकता है, अभी जैसा 875 दिख रहा है ना जी आपको ये जो प्राइस, आप न्यू क्लिक कर दीजिए और इसको होलसेल में सेलेक्ट कर दीजिए और फिर बार कोड स्कैन कीजिए, तो आपको 789 रुपीज़ में सेल आ गया ना दोस्तों, देखिए इधर देखिए ना, यहाँ देखिए आपको 789 रुपीज़ में आया हुआ है, मैं दोबारा दिखाऊँ और एक बार आपको, देखो ये जो प्रोडक्ट है मैंने सीधा रिटेल में क्लिक किया हुआ है, इधर देखिए यहाँ आपको रिटेल में सेलेक्टेड है अभी, ठीक है, तो मैंने ये रिटेल सेलेक्ट कर दिया और ये जो प्रोडक्ट को इधर रखे मैंने इसको स्कैन कर रहा हूँ, तो आपको आ गया 875 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, यहाँ देखिए दोस्तों 875 रुपीज़ में सेल जा रहे हैं, तो इसको समझ लीजिए होलसेल कस्टमर है, तो आप इसको होलसेल बटन इधर रेडियो बटन दिख रहे हैं ना, ये होलसेल मैंने चेंज कर दिया, देखिए होलसेल मैंने कर दिया और बार कोड में लगा के स्कैन कीजिएगा, तो 789 रुपीज़ यहाँ आया हुआ, देखिए डायरेक्ट एक ही प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट आ जाती है जो समाधान, देखिए दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं। और सुनिए आपने इस आज के टाइम में आपको जब भी कस्टमर ने पेटीएम गूगल पे यानी फ़ोन पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा कोई बात नहीं, फ़ोन पे और ऑनलाइन अदर पेमेंट्स वैलेट्स पेमेंट होती वो सब कुछ आपने यहाँ सेलेक्ट करने के लिए समाधान दिया हुआ है, और कई सारे हमारे होलसेल कस्टमर्स होती है उनको उधार में देनी है तो उधार का भी फैसिलिटी इधर दिया हुआ है, समझ लीजिए ये जो 789 रुपीज़ आपको उधार में देना है तो सेल करना, तो 789 इधर 789 यहाँ डाल के फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पर्टिकुलर कस्टमर को ऐड कर दीजिए, आपने एक न्यू कस्टमर को ऐड कर दीजिए, देखिए इधर एक कस्टमर है समझ लीजिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर 8078311945, तो ये जो शिबिन बोल के जो कस्टमर है उनका ऑलरेडी कुछ ड्यूस बैलेंस है यानी प्रिविलेज पॉइंट्स वगैरह प्रीवियस दिखाई दे रहे हैं, तो एक नया कस्टमर को डालिए दोस्तों, ये जो कस्टमर को डालिए 75 और 6107310, इस तरीके से ये जो कस्टमर को डाला, जो नया कस्टमर आती है तुरंत उसका नाम पूछता है, क्या नाम है उसका, फॉर एग्जाम्पल मनोज है ना, और उसका जो स्टेट जो भी है उसको सेलेक्ट कर दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है उसको कार्ड नंबर डालिएगा, यानी प्रिविलेज कार्ड भी चला सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो प्रिविलेज कार्ड डाल लीजिए आपने, ओके कर दीजिए और सक्सेसफुल कर दीजिए, और इसी कस्टमर को ये जो प्रोडक्ट आपने सेल कर दीजिए यहाँ बार कोड में रखे आपने स्कैन कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट इधर आ जाती है 875 रुपीज़, आप अगर उधार देना चाहते हो तो उधार में टाइप कर देना और डायरेक्ट कैश दिया हुआ है कैश में टाइप कर देना,
तो फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली उन्होंने 875 दिया हुआ है आपको, 75 उस तरीके से डाल सकता है। अगर समझ लीजिए ये जो 875 आपने उधार में देना चाहते हो उसको, ये 875 यहाँ डालिए, तो इनके खाते पे मतलब ऐड हो जाएंगे वो आपको। इसको मैंने कर देता हूँ, देखिए सेव कर दिया और यस कर दिया। मैंने कैश ड्रॉअर ओपन करके रखा है इसलिए बार बार नहीं आ रहे हो। ये जो देखो 875 देखा ना जी, ये इस तरीके से उनका नाम पे बिल बन जाएंगे, ठीक है। उसका जो दूसरा टेम्पलेट में उनका जो ऊपर का जो उनका जो कस्टमर का नाम भी आने के लिए फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको फॉर्मेट चेंज करके दोबारा प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो फॉर्मेट आप देखिएगा, क्लोज कर दीजिए और गेट डेटा में सेम प्रिंट आपको रीप्रिंट कर सकता है। ये जो बिल फॉर्मेट आपने इसको रीप्रिंट कर दिया, तो यहाँ जो आती है देखिए, तो ये जो बिल में आप देखिएगा दोस्तों, इसमें देखो कस्टमर का नेम का साथ आती है, जो कस्टमर का नेम होता है ना, जो मनोज बोल के हमने जो नाम डाला था वो नेम का साथ प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट टेम्पलेट है। नॉर्मली लोग है ना छोटा सा बिल टेम्पलेट प्रेफर करता है, क्योंकि वो पेपर वेस्टेज नहीं होता ना जी ज़्यादा, इसलिए करके छोटा सा बिल पर टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स एंड फॉर्मेट्स है इसके अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जब भी वो सेल करते हैं ना, इंस्टेंट SMS जाएगा कस्टमर का मोबाइल पे, इंस्टेंट SMS का भी API इसके अंदर डाल सकते हैं आपने। जैसा आप सेल करेंगे इंस्टेंट SMS जाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से SMS आया हुआ है, लेकिन ये जो SMS प्रॉपरली यानी अलाइंड नहीं है, ये अलाइन करने के लिए मैं तुरंत दिखा दूँ। इसका जो मैटर आपको दिख रहा है ना, ये कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं फिक्स किया हुआ नहीं, आप खुद ही फिक्स कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको देखिए, इसको क्लोज कीजिए, देखो इधर मास्टर एंट्री में SMS सेटिंग्स में जा सकता है आपने, ये जो SMS का मैटर आपने चेंज कर सकता है। ये आपने देखो ये जो HHH करके जो लिखा है उसको निकाल सकता है, और आप चाहिए टोटली निकाल के नया भी बना सकता है आपका जो जैसा चाहिए। और मैंने आपको टोटल निकाल के लगा देता हूँ, न्यू क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देंगे हम ये जो टेम्पलेट को, और हम नया बनाएंगे। समझ लीजिए हमको क्या लिखना, क्या SMS जाना है, हाय कस्टमर नेम, वो कस्टमर कौन है उसका नेम है ना, वो ऑटोमेटिकली उधर आ जाए। उसके बाद हम डालेंगे कंपनी नेम, हाय हाय फॉर एग्जांपल मनोज, थैंक्स फॉर विजिटिंग अपना कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल अपना कंपनी का नाम जो भी अपना जो कंपनी नेम मार्ट फुटवेयर करके मैंने डाला था वो आएगा, विजिटिंग मार्ट फुटवेयर। यूअर इनवॉइस नंबर आपने इधर डाल सकता है, देखो ये डाल दिया, और उसके बाद आपने डाल दिया इनवॉइस नंबर एंड टोटल बिल इज TOTL बिल इज, और ग्रैंड टोटल कितना है वो आ जाएंगे, और लॉयल्टी पॉइंट वगैरह आपको डालना है तो वो भी डाल सकता है, बिल इतना है, और लॉयल्टी पॉइंट करंट पॉइंट इज, करंट लॉयल्टी पॉइंट भी डाल सकते हैं, टोटल लॉयल्टी पॉइंट भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर देना जी वो, आप मतलब वो करना नहीं करना आपका हिसाब से वो, ठीक है जी। ग्रैंड टोटल मैंने इधर दोबारा डाल देता है, ओके। तो ये लॉयल्टी पॉइंट आपने बाद में डालो कोई बात नहीं, डालने से वो भी आ जाएंगे आपको। और प्लीज विजिट अगेन, आप जो मैटर चाहिए आप मैटर लिख दीजिए और इसको डिफॉल्ट इधर क्लिक कर दीजिएगा, और इसको आपने सेव कर दिएगा दोस्तों। अभी हमने और एक बार बिल प्रिंट करके देखेंगे और अपने SMS देखेंगे क्या SMS आएंगे। तो आप सेल में जाइएगा और मनोज को सेलेक्ट कीजिए, मनोज का फ़ोन नंबर इधर है जी 75, और ये जो दिख रहा है ना, और जो उसका मनोज को सेलेक्ट करते हैं तुरंत आपको दिखाई देती है दोस्तों उसका जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग कितना है। देखिए 875 उसका उधार पड़ा है ऑलरेडी, वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन में दिखाई देती है। तो दोबारा समझ लीजिए वो उसी प्रोडक्ट आपको उनको सेल करती है। तो मैंने फ़ोन इधर रखता हूँ और 875 मैंने इधर डाल दिया, समझ लीजिए 1000 रुपीज़ उन्होंने दिया है, और सेव एंड प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए ये भी आया हुआ है और अपना बिल भी आया हुआ है और कस्टमर का SMS भी आया है, थोड़ा SMS दिखाइए प्लीज़ आओ, है ना, हाय, वो स्पेस नहीं डाला, हाय के बीच में मनोज और स्पेस नहीं डाला, थैंक्स फॉर विजिटिंग मार्ट फुटवेयर, यूअर इनवॉइस
है ना, टोटल बिल इज 875 प्लीज विजिट अगेन। आप मतलब कहने का मतलब क्या है, आप उसमें जो भी अलाइनमेंट करना है आप खुद ही उसको सेटिंग कर सकते हैं, जो मैटर डालना है SMS के तरह। तो इस तरीके से कस्टमर का मोबाइल नंबर मोबाइल में SMS जाती है और उसके साथ साथ प्रिंट आती है, और आपको इसके अलावा प्रिविलेज पॉइंट्स चलाती है, प्रिविलेज कार्ड जो होते हैं ना जी, प्रिविलेज कार्ड मेरे पास इधर प्रिंटेड अभी है ही नहीं है, तो प्रिविलेज कार्ड भी आपने चला सकते हैं। प्रिविलेज कार्ड कैसे चलाना है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, इसी सॉफ्टवेयर में आपको प्रिविलेज कार्ड बनाने के लिए भी समाधान दिया हुआ है दोस्तों। और मैंने आपको जैसे दिखाया कार्ड पेमेंट वैलेट पेमेंट, ये सब सब फैसिलिटी आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। तो A to Z आपको एक कंफर्टेबल सेल पैनल इसमें मिल जाती है। तो सेल करने के बाद आपको बहुत सारे रिपोर्ट का जरूरत है, आपको GST अगर भरना समाधान के प्लान में होते हैं उसको एक अलग टाइप का होते हैं, जो जिसने GST भरता है उसके लिए अलग होती है। तो आपको इधर रिकॉर्ड्स में जाने से सारे GST रिटर्न का सेल का जितना भी आपने सेल किया ना जी, सेल का सारे का सारे डेटा मिल जाती है, कितना कितना सेल किया, ये आपने सीधा एक्सपोर्ट एक्सेल कर सकता है। तो आपको जो भी कंसल्टेंट होती है उसको बहुत ईजी हो जाएंगे, देखिए एक्सेल में तुरंत मिल जाती है। तो उनको अगर समझ लीजिए 18% का GST सेग्रीगेट करना है, सब फिल्टर डाल के इधर से देखो ये जो फिल्टर डाल के उनको फिल्टरिंग कर सकता स्टेट वाइज, है ना, मिजोरम में कितना सेल किया, झारखंड में कितना सेल किया, देखिए स्टेट वाइज फिल्टर कर सकता है। ये सब कुछ चीज़ वो मतलब एक्सेल शीट में मिल गया तो आपने कर सकता है रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ। तो हमने बारकोड बनाना देखा और सेल करने के लिए देखा। अगर सेल समझिए कोई भी कस्टमर को सेल किया और रिटर्न आती है, तभी भी आकर क्या कर सकते हैं, सेल रिटर्न में जा सकता है, POS स्पीड सेलेक्ट कर सकता है, जितना भी आपने सेल किया इधर दिखाई देती है आपको सेल रिटर्न करना है, तो समझ लीजिए सबसे लास्ट सेल किया वो सेलेक्ट किया आपने, उसको रिटर्न करना है आपको, समझ लीजिए 1 piece तो ऐड करना है और उसको सेव करना है। तो ओके, ये जो स्टॉक में वापस जुड़ जाती है, यानी जो स्टॉक मैनेजमेंट होता है ना, जो इन्वेंटरी फॉर एग्जांपल 100 piece है आपका, तो एक पीस सेल किया था, वो सेल रिटर्न आने के टाइम वापस वो 100 में वापस आ जाएंगे, जब भी सेल करते हैं वो 99 में जाएंगे, समझ लें। इस तरीके से आपको जो सेल रिटर्न भी आपको इसमें मिल जाती है। जो सेल रिटर्न करने के बाद तो उसी कस्टमर को समझ लीजिए सेल रिटर्न करने के बाद समझ लीजिए वो जो सेल रिटर्न का लिस्ट भी इधर मिल जाती है, और वो जो नंबर आपने वहाँ से चूज़ कर सकता है, देखो इधर सेल रिटर्न का जो नंबर होता है ना जी, देखो गिल डेटा में आपको जो यस POS रिपोर्ट जितना भी देखो A8 इनवॉइस A8 आपने रिटर्न लिया था, सेल्स रिटर्न नंबर 001 था, है ना, 001 यहाँ 1 था, 1 मैंने लगा के इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपने करने के पहले यहाँ से कॉपी भी कर सकता है SR001। तो ये जो करने से क्या फ़ायदे होंगे मैं आपको देखिएगा, कोई भी कस्टमर को आपने कुछ 2-3 आइटम सेल कर रहे हैं समझ लीजिएगा, और मतलब सेम जो कस्टमर आपसे जो सेल रिटर्न किया था उसी कस्टमर और कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, एग्जाम्पल तो और कोई प्रोडक्ट उन्होंने ले रहे हैं समझ लीजिए, इसको स्कैन कीजिएगा, स्कैनर लगा के स्कैन कीजिएगा अपने, और समझ लीजिए ये कुछ और प्रोडक्ट्स है समझ लीजिए, और जो सेल रिटर्न का जो नंबर होता है ना जी, वो नंबर यहाँ डालिएगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अभी इधर 00 है ना जी, दिख रहे हैं ना, और यहाँ 2363 दिख रहे हैं आपको। तो सेल्स रिटर्न की जगह पे मैंने वो जो नंबर डालती है और एंटर मारती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, 001 है ठीक है जी, 1 डालने से ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस 875 जो रिटर्न किया था ना वो ऑटोमेटिकली माइनस होती है। अभी कस्टमर कितना पेमेंट करना है आपको, देखिए 1488 पेमेंट करना है आपको, आप कैश में जाकर के मात्र 1480 यानी कितना पेमेंट करना है उन्होंने, 1488 मात्र पेमेंट करना है उसको, सेवा निवरण कर सकता है दोस्तों, मतलब उनका प्रीवियस जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस होकर के दोबारा उसको बिल जनरेट हो जाएंगे, और जो सेल्स रिटर्न का जो भी है यहाँ आ जाती है, देखिएगा सेल्स रिटर्न जो भी है ना जी यहाँ आ जाती है आपको, 875 जो रिटर्न किया था ना जी वो यहाँ आ जाती है ना, 1488 दिया हुआ टोटल बिल आया था 2363। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप दोबारा बिल प्रिंट कर सकता है या कोई भी सेल रिटर्न आने के टाइम, तो इतना ईजीएस्ट वे में आप अपना सेल पैनल अपने हाथ में अपने कंट्रोल में हैंडल कर सकता है रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो और कुछ मैंने बहुत सारे फीचर्स है जी इसमें, सारे के सारे फीचर में आप लेके जाएंगे मतलब 3-4 घंटे चाहिए,
तो और कुछ खास फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट वगैरह इधर आती है, कितना कितना मिला हुआ है आपको। देखो व्यू रिपोर्ट मतलब आज सुबह से शाम तक आपने काम करके क्या मिला आपको, क्या प्रॉफिट मिला आपको। देखो 2000 रुपीज़ का फ़ायदा उठाया आज, ठीक है ना। और डेट आपने इधर चेंज कर सकता है ना। तो हमको ज़रूरी है जी सुबह से शाम तक मेहनत करके क्या मिला आज। तो ये सब कुछ आपको रेनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाती है दोस्तों। और आपको देखो इधर बेस्ट सेलिंग लो सेलिंग रिपोर्ट सब कुछ मिल जाती है। देखिए सबसे बेस्ट कौन कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिकता है ना, इतना इतना क्वांटिटी भेजा हुआ है, और सबसे कम कौन सा आइटम बिकता है, और कोई भी प्रोडक्ट अगर लो स्टॉक में आ गया तो लो स्टॉक में कोई भी नहीं। मैंने पहले बोला था ना जी, कोई भी प्रोडक्ट जो मिनिमम स्टॉक के नीचे जाएंगे तो इधर आपको लिस्ट मिल जाएंगे, ताकि आपने दोबारा वो अरेंज करके रख सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जब भी प्रोडक्ट होते हैं ना, जब भी बहुत सारा मटेरियल्स होती है, फुटवेयर आइटम्स जो भी है, तो ये सब कुछ क्या होता है ना, हमको कंट्रोल में नहीं मिलेगा, हमारा माइंड में नहीं रहेंगे ये सब कुछ याद, इतना सारे लिस्ट। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये जो इसमें आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है, अभी स्टॉक कौन सा ख़त्म हो गया, ये सारे सारे का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है दोस्तों। और परचेस एंट्री में गया तो समझ लीजिए, हमने सबसे पहले आपको एक्सेल के माध्यम से इंपोर्ट करके दिखाया था। हाँ, परचेस एंट्री में जाने से और बहुत बड़ा फीचर्स है दोस्तों। परचेस एंट्री का और सेल पैनल का मैंने अलग अलग दो वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। मात्र वीडियो बहुत लंबा है। परचेस एंट्री में क्या क्या खास फीचर्स है, सेल पैनल में क्या क्या, वो थोड़ा सा अपने पीछे रेफर करके देख लेना। इसमें ऐसा बहुत सारे चीज़ हमने, इवन एक्सेल इंपोर्ट फैसिलिटी भी हमने डाला हुआ है। तो वो सब कुछ मैंने उस फीचर्स में जाएगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, तो वो वीडियो भी आपने एक बार रेफर कर देना। परचेस किस तरीके से करता है ना, वो आप देख लीजिएगा। और जो भी उधार लेके गया किसी कस्टमर या सप्लायर, उन्होंने जो भी पेमेंट वापस लेके आती है ना, समझ लीजिए वो जो मनोज आपने इधर कस्टमर को जो 875, उन्होंने समझ लीजिए आपको कैश दिया है, समझ लीजिए उन्होंने 800-500 रुपया दिया है, ये आपने इधर सेव कर सकता है ना। मतलब उधार मतलब मैनेज हो जाएंगे। अभी जाकर के आपने जो मनोज के नंबर इधर डालेंगे, यानी जो कस्टमर है उनका नंबर क्या था जी, 7561073110 डालेंगे तो उनको मात्र अभी देखो 375 बैलेंस है, तो 500 उन्होंने ऑलरेडी पे किया था। तो यहाँ का यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन रेनडक पीओएस में मिल जाती है दोस्तों। अगर देखो आपने स्टार्टअप बिजनेस करते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको और इवन एक्सिस्टिंग बिजनेस हो, यानी बहुत साल से आपका बिजनेस चलती है, तभी भी क्या होता है, अपना जो डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम होती है, वो लोग क्या करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर यहाँ बैठ करके टीम ही और एनीडेस्क में कनेक्ट कर देती है, और आपको इंस्टॉलेशन में सारे सपोर्ट करती है। यानी आप मात्र क्या कर दीजिए, अपने एक कंप्यूटर ले लेना, जो भी कंप्यूटर आपका एक्सिस्टिंग कंप्यूटर हो, वो उसको कनेक्टिविटी दे दीजिए एनीडेस्क और टीम व्यूअर के माध्यम से। तो आपने उस तरीके से कनेक्टिविटी देंगे, उन्होंने आपको एनीडेस्क और टीम व्यूअर के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, और आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके पहले सॉफ्टवेयर का डेमो दे देंगे, यानी मतलब उसको कैसे चलाना है, कैसा प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसा बल्क अपलोड करना है, कैसा प्रिविलेज कार्ड चलना, ए टू सेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उनका जो ट्रेनिंग का थ्रू। उसके अलावा समझ लीजिए आपका जो हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर कनेक्टिविटी आपको मात्र, ये जितना भी प्रिंटर जो भी आप, इसके अलावा बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, आप जो भी प्रिंटर लेने के टाइम एक बार हमको मतलब वो रेफर कर दीजिए या फोटो भेज दीजिए किस तरीके से प्रिंटर आपने लेती है, तो हमने भी आपको बता देंगे कौन सा प्रिंटर। और जो भी बार कोड स्टिकर वगैरह लेती है और जो भी लेती है, अपने पास एक बार इन्फॉर्मेशन दिया तो हमने आपको मतलब गाइडेंस भी कर देंगे जी किस तरीके से कौन सा लेना है। तो ये सब कुछ आपने ले लीजिए, और उसके बाद मात्र पावर सप्लाई यूएसबी केबल मैंने जैसे दिखाया था उससे कनेक्शन कर दीजिए, और जो ये जो होती है ना, जो जो क्या नाम है, कैश ड्रॉयर जो होती है, ये भी कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। अभी आपने जो कई बार बिल करने के टाइम कैश ड्रॉयर बाहर नहीं आया था शायद, तो ये इसलिए है मैंने कैश ड्रॉयर अंदर दबा के नहीं रखा था, क्योंकि बार बार बाहर आती है मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। देखो एक बार और प्रिंट करके दिखाएंगे, या नहीं तो कस्टमर का डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेव एंड प्रिंट, यस करने से बाहर आ जाती है, और यस करने से देखो प्रिंट भी आ जाती है, सब कुछ आती है। मैंने ऐसा छोड़ कर रखा था इसलिए करके वो बार बार पुश नहीं कर रहा था, ठीक है जी। तो ये सब कुछ आपने कनेक्टिविटी कर दीजिए, आप अपनी अपने इवन सेल्समैन है उसमें, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। जैसा आपको सेल्समैन हो गया, सेल्समैन में क्या होता है,
आपको उसको पूरा कंट्रोल नहीं देना है, तो उसका मात्र सेल पैनल एनेबल करने के लिए समाधान इसमें है, राइंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में है, और उसको मात्र सेल करेगा और कुछ रिपोर्ट्स देखेगा, इस तरीके से कंट्रोल किया गया हुआ है इसमें। और जो समझ लीजिए आपको तीन चार काउंटर होती है, तो आपको नेटवर्किंग करके कर सकता है। समझ लीजिए परचेज आपने और किधर अंदर एक कंप्यूटर और लगा दीजिए, उसमें बारकोड वगैरह प्रिंट करना है, वो सब कुछ करना है, आप उसमें से करवा दीजिएगा। और जो काउंटर में है, काउंटर वन, काउंटर टू, काउंटर, तो कितना भी काउंटर इसमें जोड़ सकता है, मात्र डी ड्राइव शेयर करके नेटवर्क केबल लगा देना। उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, वो आपने कनेक्ट करने से आपको इवन नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, यानी सेम टाइम में तीन चार काउंटर चला सकते हैं रेनडेक पीओएस का गोल्ड एडिशन में। सिल्वर एडिशन में वो फैसिलिटी नहीं है। और अपने पास सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रेनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर दो एडिशन है, एक गोल्ड एडिशन है, एक सिल्वर एडिशन है। ये गोल्ड एडिशन का डेमो मैंने दिखाया था। गोल्ड एडिशन एंड सिल्वर एडिशन में लगभग 84-85 फीचर्स एक्स्ट्रा है, यानी गोल्ड में, सिल्वर एडिशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें से 85 फीचर्स एक्स्ट्रा हैं गोल्ड एडिशन में। तो ये सब कुछ आपको उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था, गोल्ड एंड सिल्वर का जो डिफरेंस होती है, तो वो भी मैं आपने थोड़ा सा मेरे चैनल में रेफर कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपना फुटवेयर बिजनेस आपको वेरी इजीएस्ट वे में चला सकता है। और देखो इसमें कई सारे ऐसा रिपोर्ट हैं जो आपको रिपोर्ट मीन्स कलेक्शंस कितना है, रिपोर्ट अलग से मिलेगा, और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट है, ये सब कुछ हमने रिसेंटली जोड़ा हुआ है। वो सब कुछ आपको रेंडर पीओएस का सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।